आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है, इस्लाम के सुतून 5 हैं, अल्लाह ही की इबादत करें और अल्लाह के सिवा तमाम झूठे वादों का इनकार किया जाए। नंबर 2। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान की तीसरी सहरी मुबारक हो आपको। तो आज तीसरा रमज़ान तीसरी सहरी स्टार्ट करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है, इस्लाम के सुतून 5 हैं, अल्लाह ही की इबादत करें और अल्लाह के सिवा तमाम झूठे वादों का इनकार किया जाए। नंबर 2, नमाज पढ़ना। नंबर 3, ज़कात देना। नंबर 4, बैतुल्ला का हज करना। नंबर 5, रमज़ान के रोज़े रखना। क्योंकि आज की हदीस, अभी वक्त हो चुका है नमाज का, अभी नमाज पढ़ूँगा। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर दिन की शुरुआत करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो अभी स्टार्ट हुआ है प्रेयर टाइम। तो गाइस, अभी सुबह हो चुकी है, अभी जस्ट काम स्टार्ट किया हूँ ऑफिस का। ऑफिस का काम स्टार्ट करने के बाद फटाफट ख़त्म करके इफ्तारी में हेल्प करूँगा। नमाज का टाइम हो गया है जुम्मा की, बट क्या है कि मस्जिदें बंद है, तो घर में जोहर की नमाज़ ही पढ़नी पड़ेगी। तो अभी चलिए पढ़ लेता हूँ, मैं जोहर ही पढ़ लेता हूँ, क्योंकि कोई मिला नहीं मुझे जो साथ में जुम्मा पढ़े। सब अपने अपने काम वगैरह पे लगे हैं, तो मुझे जोहर पढ़ना पड़ेगा, मैं अकेला ही पढ़ रहा हूँ जोहर। रमजान की नियामत अनवा बरकात से मालामाल फरमा। या अल्लाह, हम पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, करम की बारिश और इज्जत के हलाल अता फरमा। या अल्लाह, मैं तू अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज ना बना। या अल्लाह, मैं लैलतुल कद्र नसीब फरमा। या अल्लाह, मैं हज मकबूल नसीब फरमा। या अल्लाह, मैं झूठ गिबत बुराई झगड़े फसाद से दूर रख। या अल्लाह, मैं तंदरुस्ती खौफ घबराहट और खर्च के बोझ को दूर फरमा। या अल्लाह, हमारी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा।